हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट्स के बेनिफिट के बारे में, गवर्नमेंट्स क्या क्या बेनिफिट देती है उसका मैं बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा, उसका जो जो अलग अलग बेनिफिट है उसका। तो सबसे पहले ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MEIS के बारे में। व्हाट इज MEIS? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मतलब ये क्या है, व्हाट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम? आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो, मतलब जो गुड्स एंड मर्चेंडाइज, मतलब गुड्स, यहाँ पे दो टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के लिए SEIS होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे लेना है, क्या होता है। अभी ये वीडियो में बताऊंगा आपको MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्टर को बहुत सारे फायदे देती है, तो उसमें एक फायदा है MEIS। तो MEIS हमारी गवर्नमेंट डिसाइड की गई प्रोडक्ट पे, पहले से डिसाइडेड है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मोस्टली वो सब प्रोडक्ट पे है ही। वैसे तो आप गिन सकते हो जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस पर ही, थोड़ा जो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट नहीं करना है उस पर ही नहीं है, बाकी से बहुत सारी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत सारा है, गारमेंट्स वगैरह में MEIS अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह में MEIS 7% तक जाता है। मतलब क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट 2-5% और कई में 7% भी है, 2-7% या 2-5% हमारी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। कैसे बेनिफिट मिलेगा कैसे, तो आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे और आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आपको मिल रहा, चाहे कोई प्लास्टिक आप शीट एक्सपोर्ट कर रहे हो और प्लास्टिक शीट पे MEIS मिल रहा है आपको 5%, तो प्लास्टिक शीट पे आपको MEIS मिल रहा है 5%, मतलब आप जो FOB वैल्यू बेनिफिट जो मिलेगा, कौन सी वैल्यू, तो कि FOB फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे आपको MEIS बेनिफिट मिलेगा। मतलब समझो कि आपका MEIS जो है वह आपको FOB पे मिलेगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू है 10 लाख रुपीज, आपने 10 लाख रुपीज का गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है, ओके, और उसका वैल्यू जो वैल्यू होता है FOB वैल्यू होता है 10 लाख होता है, तो 10 लाख रुपीज इज FOB वैल्यू, तो उस पे आपको 5% मिलेंगे, मतलब 50,000 रुपीज आपको हमारी गवर्नमेंट देगी। पर ये ध्यान में रखो, हमारी गवर्नमेंट कैश में नहीं देगी आपको, जो MEIS बेनिफिट है वो कैश में नहीं मिलता है, वो एक ड्यूटी फ्री स्क्रिप मिलता है। क्या मिलता है, ड्यूटी फ्री स्क्रिप, मतलब लाइक पेटीएम बैलेंस, जो आप पेटीएम बैलेंस के पेटीएम में आपको कैशबैक मिलता है, ऐसे ही आपको जो है MEIS स्क्रिप्ट मिलता है। वो आपको DGFT में अप्लाई करना रहता है, आप 1 साल या 2 साल में वो अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक साथ में आपका जब बड़ा एक्सपोर्ट हो जाए, मतलब MEIS आपको लाइक 1 लाख 2 लाख कुछ भी कर सकते हो, बट एक साथ में करो 10-12 लाख का हो MEIS, तो आपको एक ही बार वो कंसल्टेंसी फी देना पड़ेगा, जो आपका कंसल्टेंट वो एप्लीकेशन करेगा, आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हो, बट आपको आना चाहिए। देखो आपको आना चाहिए, उसकी गाइडलाइन DGFT पे दी गई है, आप DGFT को पूछ सकते हैं कैसे करना है, बट आपको आता है तो खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कंसल्टेंट से भी ये चीज करवा सकते हो। तो आपको ड्यूटी फ्री क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है, जो आप अगर आपका इंपोर्ट होता है, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं, तो इंपोर्ट में जो इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है उसमें ड्यूटी स्क्रिप्ट माफ मिलेगा, मतलब ये वहां पे ये आपका पेटीएम बैलेंस ये स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। और मान लो कि आप ओनली एक्सपोर्ट ही करते हो, क्या करते हो, ओनली आप एक्सपोर्ट ही करते हो, तो आपका इंपोर्ट होता नहीं है, तो ये जो स्क्रिप्ट है आप दूसरे लोगों को बेच सकते हो। एज ए कंसल्टेंट मेरे पास इस स्क्रिप्ट की डिमांड बहुत आती है सर, 10 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, ऐसे बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट का डिमांड आता है, क्योंकि कितने में बिकती है, अराउंड 97-98% में बिकती है, मतलब 1 लाख पे आपको 98,000 मिल जाएंगे। तो और वो लेने वाले को क्या बेनिफिट है, अगर मेरा कुछ इंपोर्ट है वो मैं परचेज करूंगा, मेरा 10 लाख का ड्यूटी भरने का होता है, मैंने किसी और का 10 लाख का और ड्यूटी स्क्रिप ले लिया 98% से, मतलब 98,000 से 10 लाख 2 लाख रुपया, तो मेरा को जो फायदा हुआ वो है 20,000 का, मुझे फायदा हुआ किसी से एक स्क्रिप खरीदने का, और उसको वो पैसा एन कैश हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए IC चाहिएगा, RCMC चाहिएगा और BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, जो आपका पेमेंट आया है, और पेमेंट आने के बाद ही आप MEIS क्लेम कर सकते हो, DGFT में क्लेम करना रहता है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट को मिलता है 2-5% वो आप क्लेम कर सकते हो, आपको MEIS स्क्रिप्ट मिल जाएगा और आप दूसरों के बेच के आप एनकैश पूरा कर सकते हो। और कुछ भी आपको क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट के बायर फाइंड करना चाहते हो, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग का प्रमोशन, ऐसी बात नहीं है, आपको करना है तो सीखना ही पड़ेगा, इट्स अ सिस्टम और आपको सीखना पड़ेगा।
मतलब आपको जो है सीखना पड़ेगा, तभी आप और प्रोफेशनली जितना आप जल्दी सीखोगे इतना आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस में है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी कोई भी क्वेरी है और आपको फ्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना है तो मेरे वीडियोज आप देखते रहिएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे अपडेट्स आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।